अभी जो है हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे ब्लॉग में। तो अभी सुबह के जो है 11 बज रहे हैं, मतलब धूप भी काफ़ी हो गई है। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो हैं ब्लॉग्स में आपकी जो है वॉइस क्लियर नहीं आती, सही से नहीं आती, तो माइक का यूज़ किया करें, माइक जो लें। तो हमारे पास एक माइक था, ये पूनम अभी बैठी हुई है जो है माइक बना रही है। माइक जो है आपको दिखा रहा हूँ, ये पुराना कैमरा। तो ये माइक है हमारा जो है कनेक्ट होता है, ये वायर वाला माइक है हमारे पास, ये देखिए। तो ये काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका जोड़ जो है यहाँ से निकल गया है, जोड़ आप देख रहे हैं निकल गया है। पहले हम जो है काफ़ी मतलब 2-3 ब्लॉक्स जो है इससे बनाए थे, और अब जो है मतलब ये ख़राब हो गया है। तो हमने जो है न्यू मंगवाया है और इसको जो है अनबॉक्स करते हैं। मुझे यूज़ तो करा नहीं आता, ये ब्लूटूथ वाला माइक है, लेकिन इसके अंदर जो है लिटरेचर वगैरह होगा, तो उसमें जो है इसकी इंडिकेशन होगी। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये कंपनी जो है अच्छी है या नहीं, ये लिखा हुआ है K2 वायरलेस माइक्रोफोन। तो इससे जो अनबॉक्सिंग करते हैं और यूज़ करते हैं। ये जो अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ये बगैर जो है माइक के है। अभी देखा है मेरे पास जो है माइक नहीं है, और ये कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि वॉइस में कितना जो है चेंज आता है। तो आप जो है कमेंट्स करके बताना। तो ये हमारा जो है पुराना माइक है, और ये जो है ख़राब हो चुका है। अब ये बनेगा या नहीं बनेगा ये तो नहीं पता। और ये जो है न्यू, इसे अनबॉक्स करते हैं। तो अभी जो है हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। और ये जो है आई थिंक कनेक्ट होगा, क्योंकि जो जहाँ से मैंने लिया था, जिस शॉप से, तो उसने मुझे कहा था कि ये जब आप कनेक्ट करेंगे, मोबाइल में लगाएंगे, तो OTP कोई मतलब सेटिंग होगी, वो आपको ऑन करनी होगी। और ये माइक है हमारा, देख सकते हैं आप। तो इसे जो है हम कनेक्ट करते हैं, फिर जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ग्रीन लाइट जो है जल रही है, और आई थिंक ये जो है कनेक्ट हो चुका है। और अब आप जो है कमेंट्स करके बताना कि पहले जो है वॉइस कैसी आ रही थी और अब कैसी है। तो इसे जो है मैं कॉलर में लगा लेता हूँ, आगे का थोड़ा बहुत जो व्लॉग है शूट करता हूँ। अभी जो है माइक लगा हुआ है। मैंने जो कल जो वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों के अभी मैंने कॉमेंट्स पढ़े तो काफ़ी अच्छे थे, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे ही जो है आप सपोर्ट करते रहना, और ऐसे प्यारे प्यारे, अगर देखो कोई भी कमेंट्स करता है तो उससे जो है हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा लगता है, मतलब खुशी होती है आगे मतलब काम करने को, जो है ब्लॉग्स बनाने, चाहे जो भी हम काम करें, वीडियोस वगैरह बनाएं, ब्लॉग बनाएं, रील्स बनाएं, शॉर्ट्स बनाएं, तो दिल करता है बनाने को जब आपके जो है अच्छे कमेंट्स आते हैं। लेकिन जब कोई नेगेटिव बोलता है तो दिल टूट जाता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। हेलो गाइस, अभी 11 बजे हैं और काफ़ी धूप हो चुकी है, और अभी हम दोपहर के खाने का जो है तैयारी कर रहे हैं, दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं, और मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने भी अभी माइक लगाया है, और आई होप कि आपको आवाज़ जो है वो सही आ रही होगी, क्लियर आ रही होगी अब, और कोई इश्यू नहीं होगा। पहले जो है ना वो हमारी वॉइस सही नहीं आती थी। तो अभी हम दोनों ने जो है माइक को चेक किया, माइक की रिज़ल्ट मतलब बहुत अच्छी है। जो हमने पहले शॉट बनाए, इसने भी चेक करके देखा और मैंने भी चेक किया, बहुत अच्छी जो है क्वालिटी है। और ये हमें 1500 का मिला, मतलब 1500 रुपये का मिला। नहीं मंगवाया ये, और ना ही मैंने पैसे दिए, पूनम ने जो है अपने पैसों से मंगवाया। कैमरा जो है हमारे पास, मोबाइल जो है बिल्कुल सिंपल है, कैमरा क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसलिए जो है हम मेहनत कर रहे हैं। तो अभी दोपहर का टाइम है और पूनम जो है खाना बनाने वाली है, दोपहर का खाना ये बनाती है। आज इसको छुट्टी है, कल तो ये वैसे सेंटर चली जाएगी, तो इसलिए जो है हम शूट कर रहे हैं आज। मेरे पास भी थोड़ा टाइम था, इसके पास भी है, तो मिलके थोड़ा मैंने कहा जो है व्लॉग शूट कर लेते हैं। रेगुलर तो हम नहीं अपलोड कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, जैसे ही टाइम मिलता है थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे शूट करके अपलोड करने की। अभी पूनम खाना बनाने वाली है, और खाना पीना खा के, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है, खाना पीना खा के फिर जो है आप लोगों से मिलते हैं। खाना हमारा रेडी है और साथ में लस्सी भी है। मम्मी जो है लस्सी दे रही है, बहुत ही टेस्टी लस्सी है। तो इसमें से कुछ जो है मैं ले लेता हूँ और बाकी मम्मी वापसी ले जाएगी। खाना हमारा रेडी है, खाना खाते हैं, भूख लगी है। तो गाइस अभी 1 बज रहे हैं दोपहर के, और खाना पीना जो है खा लिया है हमने। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने,
और अभी धूप बहुत है रोजाना। अभी जो है मौसम चेंज हो गया है तो गर्मी बहुत हो गई है। सारे फैमिली मेंबर हैं, दोपहर का खाना खा के जो है सो जाते हैं सारे, जो है 1-2 घंटे जो रेस्ट कर लेते हैं। मैं भी अभी सोने जा रहा हूँ और सोने के बाद जो है मिलते हैं। A few moments later. मिलिए शहदा से। इसका जो ओरिजिनल नेम है वो तो भावना है, लेकिन निक नेम अभी हमने रखा है शहदा। शहदा हाय, बोलो हेलो गाइस, मैं भी व्लॉग बना रही हूँ। आज से मैं भी व्लॉग बनाऊंगी, डेली आऊंगी। मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाय, देखो कैसे देख रही है, देखो 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 कैसे देख रही है। हाउ शहदा, हाय बोलो, हाय हेलो गाइस बोलो, हाय हाय हेलो। मेरे पापा जो है वो बकरी लेके आए हैं, और बकरी जो है 18,000 की लेके आए हैं, क्योंकि अगर अचानक से हमारे घर कोई मेहमान आ जाता था, या कोई मेरा दोस्त आ जाता था, या कोई भी जान पहचान वाला, तो दूध नहीं मिलता था हमारे गांव में। एक सुबह की टाइम मिलता है और दूसरा शाम की टाइम, उसके अलावा मतलब टाइम नहीं है कि हमें जो है दूध में। तो इसीलिए जो है पापा ये बकरी लेके आए हैं 18,000 की। और बकरी जो है बहुत प्यारी है, इसके साथ इसका बछड़ा भी था छोटा, लेकिन उसकी जो है डेथ हो गई अभी कुछ दिन पहले। चीज़ नोटिस की कि मैं वहाँ पे खड़ा था और जो है मैंने अपना फेस देखा, इतना धूप में काला दिखाई दे रहा था, तब भी जो है मैं फेस धो के आया हूँ। और चाय जो है हमारी बन चुकी है, चाय जो है पीते हैं, चाय हमारी बन चुकी है। और हमारे घर में जो है सारे चाय के जो है मवाली हैं, किसी चीज़ के मवाली नहीं है, चाय के मवाली हैं। तो हमारे घर में जो है एक दिन में 4 से 5 बार जो है चाय बनती है। हमारे घर में सबसे ज्यादा जो चाय पीता है वो मैं पीता हूँ और मेरी मम्मी पीती है। और दूध इतना महंगा है, 50 रुपए पाव है, तो रोजाना का हमारा जो पहले 1 किलो दूध आता था दिन के 200 रुपए, महीने के 6,000 रुपए देने पड़ते थे। तो इसीलिए किसी महीने में हमारे पास जो है पैसे होते थे, कभी नहीं होते थे। तो इसलिए मम्मी ने जो है पापा को कहा कि दूध जो है हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, इससे अच्छा है कि आप बकरी ले आए 10-15 हज़ार की। तो इसीलिए जो है इस बकरी में जो है 1/2 किलो दूध है और बिल्कुल फ्रेश ऐसी चाय बनती है, फर्स्ट क्लास, मज़ा आ जाते हैं पीने में। लेकिन इस बकरी के लिए भी घास चाहिए, और हमारे घर में कोई जाता नहीं है घास निकालने, तो इसीलिए जो है 50 रुपए की ले लेते हैं, या कभी जो है मेरा भाई निकाल के आता है। वैसे भी पाकिस्तान में जो है चीज़ें बहुत महंगी हैं, सब्जी को आप ले लो। कल मैं मार्केट गया, मैंने टिंडे लिए, हमारी लैंग्वेज में तो हम मेहे बोलते हैं उसे, तो वो जो है 300 रुपए किलो थे, और मैंने जो है 100 रुपए के लिए मुझे 100 रुपए के 3 दिए उसने, और उसके जो है 6 पीस करके दिए। तो उसके बाद भिंडी जो मैंने मालूम की वो भी 250 रुपए किलो, प्याज जो है वो भी 300-400 रुपए किलो लगे हुए हैं, और आटा जो है वो तो 140 रुपए किलो है, और गेहूं जो है वो भी 400-500 रुपए किलो है। तो मतलब महंगाई थोड़ी है बहुत यहाँ पे। गरीबों के लिए तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे जो है गुजर सफर करना, क्योंकि महंगाई जो है दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ती जा रही है। इसके लिए बस इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।